नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। तो आप देखते हैं बिना कोई टाइम पास करते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, हेलो एल्केन के विघटन की विधियां, यानी हेलो एल्केन अभिकरण बनाएंगे कैसे। हमने ये देख लिया था कि हमने एल्केन, एल्कीन और मुष्टिगत अभिक्रिया, ये तीन प्रकार से हमने बनाना सीख लिया था कि हम हेलो एल्केन बनाएंगे कैसे। तो अगला हमारा टॉपिक है एल्कोहल से, यानी हमें अल्कोहल दिया हुआ रहेगा और अल्कोहल से हमें क्या बनाना है, हेलो एल्केन। इस अल्कोहल से अंदर तीन चार अभिक्रियाएं हैं जिसमें हम अल्कोहल से क्या बनाएंगे, हेलो एल्केन। इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन भी आएगी। नेम रिएक्शन मतलब जिनके अंदर नाम है, जैसे स्वार्ट्ज अभिक्रिया हुई और डार्जन अभिक्रिया जो आगे आएगी। लेकिन ये पहली अभिक्रिया है अल्कोहल तथा हेलोजन अम्ल की रिएक्शन से, यानी अल्कोहल और उसका हेलोजन अम्ल से हम रिएक्शन करेंगे। हेलोजन अम्ल आप मालूम है ये HCl है, हेलोजन अम्ल बोलते हैं इसको, HCl वगैरह इसको क्या बोलते हैं, HCl, HBr, ये क्या है, हेलोजन अम्ल। ठीक है, हेलोजन अम्ल, अम्ल के बारे में HCl है। ठीक है, HBr क्या निकालता है, H प्लस निकालता है, इसलिए अम्ल है। हेलोजन अम्ल क्यों है, क्योंकि इनमें देखिए क्लोरीन ब्रोमीन है, क्लोरीन ब्रोमीन HI प्लेन हो, ये भी क्या हेलोजन अम्ल है। यानी पहले ये समझिए हेलोजन अम्ल होता क्या, अम्ल क्या होता है, जो RMS के अनुसार देखते हैं जो H प्लस त्यागता है, और तो हेलोजन अम्ल क्या होगा, यानी ऐसा मान लीजिए आपके पास अम्ल जिसके अंदर हेलोजन समूह क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और वो H+ भी त्याग करता है, H+ त्यागेगा तो ये हेलोजन है और अम्ल भी है, हेलोजन अम्ल। ठीक है, हेलो अल्कोहल तथा हेलोजन अम्ल की रिएक्शन, ये R से मतलब अभिक्रिया से। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, पहले देखिए अल्कोहल क्या था, इसे बोलते हैं अल्कोहल, इसके R की जगह आप CH3 ले सकते हैं, एल्कीन समूह होता है मालूम है CH3OH, ये क्या मेथेनॉल। ठीक है ना, ये से अल्कोहल होते हैं। ठीक है, इस अल्कोहल तथा हेलोजन अम्ल आपको जो बासी है उसको जो लिखिए ना HCl, यानी इन दोनों की क्या करानी है, हमें अभिक्रिया करवानी है। इन दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बनाना है। तो इनकी अभिक्रिया क्या है, नॉर्मल चलो अभी मैं करूंगा तो ये अभिक्रिया नहीं करेंगे, अभिक्रिया नहीं करेंगे तो फिर अभिक्रिया कैसे करेंगे, देखिए अभिक्रिया ऐसे नहीं करेंगे, इनके लिए क्या उत्प्रेरक लाना पड़ेगा, इनको उत्तेजित करना पड़ेगा, ये क्या निष्क्रिय बनते हैं, ऐसे सीधे अभिक्रिया नहीं करेंगे, तो सीधे अभिक्रिया नहीं करेंगे तो अल्कोहल है, अल्कोहल की अभिक्रिया हेलोजन अम्ल देगी, HCl ये देखिए इन सब के लिए अलग, HCl के लिए अभिक्रिया करवाएंगे तो उसके लिए अलग उत्प्रेरक, HBr से करवाएंगे तो अलग उत्प्रेरक। तो ये तो अभी हम हाइड्रोजन क्लोराइड की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड और ये अल्कोहल, ये अल्कोहल। तो अल्कोहल के अंदर HCl डाला, लेकिन ये क्या, इसमें हमें क्या लेना है, शुष्क ZnCl2, शुष्क ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड लेना है। उत्प्रेरक क्या लेना है हमें, इसमें जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड क्या है, उत्प्रेरक, ये है उत्प्रेरक। भाषा नहीं समझनी आपको, तो अभिक्रिया समझनी, अभिक्रिया समझोगे तो भाषा अपने आप हो जाएगी, ज्यादा चिंता की बात है नहीं। तो ये देखिए अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ शुष्क ZnCl2, शुष्क ZnCl2 मतलब पानी ना हो, ठीक है, शुष्क मतलब पानी की कमी, ऐसा बोलते हैं नमी का इलाका है, शुष्क इलाका है, शुष्क मतलब पानी नहीं है, यानी ये सूखा, शुष्क मतलब सूखा मान लीजिए, सूखा ZnCl2 क्लोराइड हम इसमें देखिए, ये दोनों को मैंने मिलाया, अभिक्रिया नहीं हुई, इन दोनों मान लीजिए ये अभिक्रिया कैसे होती है, ये RH है, इन दोनों को पास पास बैठा दे चलो HCl, ये क्या है अभिक्रिया नहीं है, दोनों निष्क्रिय है, तो इसके अंदर मैं क्या डालूंगा ZnCl2, जैसे ZnCl2 डालूंगा तो ये अभिक्रिया होगी क्या जल्दी, यानी ये क्या उत्तेजक का कार्य करेगा जो अभिक्रिया करवाएगा। तो देखिए क्या होता है, अब ये क्या है, जैसे इसमें देखिए दो चीजें दिख रही है, OH, ज्यादातर क्या निकालना चाहते हैं, पानी, अपने को तो क्या निकालना है, पानी, तो पानी निकालो भैया, ये क्या है पानी, पानी का ये पानी, ये निकला पानी, पानी चलो ये नया लिखूं H2, ओ, तो बच्चा क्या RCl, ये बोले हमारे दोनों में से तो क्या निकल गया पानी, बच्चे कौन, तुम और मैं, कौन कौन बच्चा, एल्किल और क्लोराइड, तो ये क्या RCl प्लस H2O, ये लो अभिक्रिया हो गई, कितनी आसान थी अभिक्रिया, फिर से देखिए ROH प्लस HCl शुष्क जो ZnCl2 आपको ये याद रखना आवश्यक है, उसके बाद एल्किल क्लोराइड, इसको बोलते हैं एल्किल क्लोराइड, क्लोराइड बोलो या हेलो एल्केन बोलो, इसको हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं, क्लोरो एल्केन बोल दो इसको, हेलो एल्केन। तो ये तो थी हमारी क्या अल्कोहल तथा हेलोजन अम्ल की रिएक्शन से इसका निर्माण। इसमें आप देखिए HCl है, अब हमें क्या RCl तो बना दिया, अब हमें बनाना है RBr यानी एल्किल ब्रोमाइड बनाना है, तो ब्रोमाइड बनाने के लिए क्या आएगा, अलग उत्प्रेरक काम आएगा, ये देखिए
आर ओ एच, इस बार मुझे बनाना है ब्रोमेट, मैं यहाँ लूंगा एच बी आर। पहले मैंने क्या दिया था उसमें, क्या दिया था उसमें, मैंने दिया था ZnCl2। इस बार ZnCl2 नहीं लेना, क्या लेना है इस बार, में लेना है अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, इनके बीच में अपने तो पानी निकालना है, क्या निकालना है HOH, HOH को हम लिख सकते, HOH भी लिखो भले ही आपको मैं बता दूँ, या HOH लिखो या H2O लिखो, ठीक है HOH लिखो या H2O लिखो, तो अपने तो पहले क्या निकला, पानी, जो समझ में आया पहले लिखो, ठीक है। बचा कौन, ये बोला पानी निकल गया, बचा कौन, एल्किल और ब्रोमीन, बचा बनेगा क्या, एल्किल ब्रोमाइन, समझ में आया। इसी प्रकार देखिए, अगर मेरे को आयोडीन बनाना है, आयोडाइड एच आई, अगर मेरे को एच आई बनाना है तो इसके लिए भी देखिए एच आई, उसमें भी क्या काम आएगा, उत्प्रेरक के रूप में H2SO4, ये इंपॉर्टेंट ध्यान दोनों नहीं है, यहाँ पे क्या रहा है ZnCl2 काम, यहाँ क्या रहा है उत्प्रेरक H2SO4, बच्चा के आर, वही पानी निकालो, पानी निकला, निकला पानी, बच्चा कौन सी हमारे जल की रानी, ये लो भैया कुछ नहीं, एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड, ये एल्किल ब्रोमाइड, ठीक है, ये एल्कोहल, ये एल्कोहल, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, एल्कोहल, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर आपको आर सी एल बनाना है इससे, इस एल्कोहल से इस प्रकार भी रहने, तो जिसको जेड एन सी एल टू लेना है, अगर ऐसा बनाना है तो आपको उसको सुपोर लेना है, और ऐसे लोगे तो एल्किल आयोडाइड। तो ये तो थी पहली प्रकार की अभिक्रिया, अब मैं आपको बता दूँ इसमें ये अभिक्रिया कौन जल्दी करेगा, इसमें जल्दी अभिक्रिया करेगा एच आई, उसके बाद एच बी आर, उसके बाद एच सी एल, क्यों, कारण क्या है, कारण क्रियाशीलता क्रम देखिए इसमें, ये क्रियाशीलता का क्रम है, ये क्रियाशीलता का क्रम है, तो देखिए भैया ये क्रम क्यों आया, एच और आई, हाइड्रोजन छोटा, आयोडीन की आप मालूम है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यहाँ इस आयोडीन का आकार बढ़ रहा है, क्लोरीन छोटा उससे बड़ा, ब्रोमीन उससे बड़ा आयोडीन, तो ये देखो एक छोटा बंदा बड़े बंदे से जुड़ा रहेगा, तो उनके बीच में बंद क्या रहेगा, दुर्बल रहेगा, बंद दुर्बल रहेगा, तो बंद दुर्बल रहेगा तो जल्दी टूटेगा, हमें तो यहाँ क्या चाहिए इनका बंद जितना जल्दी टूटे, यहाँ देखिए यहाँ पे बंद टूट रहा है, यहाँ एचबीआर में बंद टूट रहा है, एचआई में बंद टूट रहा है, इन तीनों में बंद टूट रहे हैं, लेकिन जिनमें जल्दी बंद टूटेगा वही जल्दी क्रियाशीलता, मतलब क्या, यानी कौन अभिक्रिया जल्दी करवा रहा है, क्रियाशीलता का मतलब आप समझिए अभिक्रिया कौन जल्दी करवा रहा है, तो यहाँ अभिक्रिया एचआई जल्दी करवाएगा ना, क्योंकि एचआई हाइड्रोजन छोटा बंदा, ये इतना बड़ा, इसमें साइज का देखिए लगभग बराबर मान, इसमें बराबर मास हो गया, ये भी तो छोटा, फिर ये इतना है, और ये इसमें मान इतना, तो ये इतना है, ये लगभग बराबर होते नहीं है ऐसे, बहुत इनमें आकार का क्या होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन हम मान लीजिए ऐसे मान लीजिए, तो ये छोटा बड़ा इनका दुर्बंध क्या होता है, दुर्बल, इसलिए आसानी से टूट जाएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यानी देखिए इनका बंद का जो क्रम है तो यही है, तो बंद जो जल्दी टूटे वो अधिक क्रियाशील, तो ये जल्दी टूटते उसकी तुलना में ये, उसकी तुलना में ये, तो इस हिसाब से ये क्या हो गया क्रियाशीलता का क्रम। अगर हमने इधर का क्रियाशीलता देख ली तो इसकी भी क्रियाशीलता देखनी पड़ेगी, इसकी क्रियाशीलता का क्रम देखिए, एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम, इस अभिक्रिया में एल्कोहल की क्रियाशीलता, अब एल्कोहल की क्रियाशीलता देखिए 3 डिग्री 2 डिग्री, मैं वो हिंदी में नहीं लिखूंगा, तृतीय द्वितीय प्राथमिक, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, बस यही है एल्कोहल, ये सब क्या होंगे एल्कोहल, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, क्यों, यहाँ देखिए यहाँ भी इनका भी बंद टूट रहा है, 3 डिग्री का मतलब देखिए ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री है, ठीक है, CH3 ये CH3, उसके बाद 2 डिग्री देखिए, ये 2 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री, 2 डिग्री, आप डिग्री वापस समझ जाते हो, एल्कोहल से जुड़ा कितना कार्बन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन इससे कितने जुड़े हुए, 1 2 3, तो 3 डिग्री, इससे जुड़ा हुआ कार्बन इससे कितने जुड़े हुए, 1 2, तो 2 डिग्री, और फिर देखो इससे तो बच्चे साहब एक ही जुड़ा हुआ है, इस एल्कोहल से तो देखिए कौन जुड़ा हुआ, एक ही जुड़ा हुआ, मान लीजिए ये जुड़ा हुआ है, एक ही जुड़ा हुआ, तो ये क्या 1 डिग्री,
1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री। अब इसमें क्रम देखिए, इनका क्रियाशीलता का क्रम आखिरकार ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि देखिए ये देखिए तीन बंदे हैं, इनका होता है आई प्रभाव। इसको बोलते हैं आई प्रभाव, मतलब दानवीर बंदे हैं। आई प्रभाव मतलब ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देते रहते हैं, इनका प्लस आई प्रभाव। इसके प्लस आई प्रभाव के कारण ये इस कार्बन को क्या इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति रखते हैं। अगर इसके पास अगर ये तीन तरफ से रुपए आते रहेंगे तो ये क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेगा, तू आसानी से जा सकता है। ऐसे भी देखिए इस कार्बन को भी दो जड़े बंदे क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इसको तीन जने दे रहे हैं, इसको दो जने दे रहे हैं, तो ये इसको आसानी से जाने देगा, इसकी तुलना में इसको आसानी से जाने देगा ना, तो इसको आसानी से जाने देगा। ये इसके पास के दो ही है तो इसको थोड़ा मुश्किल से जाने देगा, लेकिन इसके पास तो देखो भाई साहब एक ही देने को है। अगर एक ही देने को है तो इसको जाने के लिए बहुत कहना है नहीं मेरे पास एक ही है, तुम मेरे पास रहे, गलत बात। इस हिसाब से देखिए इसको देने वाला तीन है, यानी प्लस आई प्रभाव के कारण इसके पास इलेक्ट्रॉन की जो आपूर्ति है वो संतुष्टिजनक, यानी पर्याप्त इलेक्ट्रॉन आपूर्ति, इस वजह से यहाँ से OH आसानी से निकलता है, जबकि इसमें थोड़ा इससे मुश्किल और इसकी सबसे मुश्किल इसमें निकलता है। इसमें मुश्किल निकलता है मतलब ये बंद ये आसानी से टूटेगा, उससे मुश्किल में ये टूटेगा, उससे मुश्किल में ये टूटेगा, तो क्रियाशीलता का क्रम भी क्या होगा, जो आसानी से टूटेगा वो अधिक क्रियाशील, जो सबसे मुश्किल से टूटेगा वो सबसे कम क्रियाशील, और बीच वाला है। क्रियाशीलता समझ में आ रही है, क्रियाशीलता हर जगह आएगी, इनके प्रश्न भी आते हैं। आई होप आपको ये वाले बिगड़े एकदम से समझ में आ गए। अब हम आगे आएंगे थायलिन क्लोराइड के बिगड़े, यानी डार्जन बिगड़े, डार्जन डार्लिंग नहीं डार्जन, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं किसमें, डार्जन अभिक्रिया में, डार्जन अभिक्रिया आपको समझ आ गया, ये देख लीजिए RO-HCl, RCl+2, RO-HBr, RBr। तो अब हम देखेंगे अपनी डार्जन अभिक्रिया, डार्लिंग अभिक्रिया नहीं डार्जन अभिक्रिया, एल्कोहल पर थायलिन क्लोराइड की अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया में क्या होता है, एल्कोहल पर हम किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, थायलिन क्लोराइड। आखिरकार ये थायलिन क्लोराइड क्या है भैया, ये क्या है, आपको एक बात बता दूं, अगर ये थायो चीज दिखे ना, थायो मतलब वो सल्फर है कुछ, यानी सल्फर से रिलेटेड कुछ आएगा वो यौगिक है, थायोमिन मतलब थायो अगर आपको कहीं दिख जाए इसका मतलब क्या आएगा, सल्फर। तो ये देखिए एल्कोहल पर थायलिन क्लोराइड की अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को हम एक और नाम से जानते हैं, इसका स्पेशल नेम रिएक्शन है, इसको बोलते हैं डार्जन अभिक्रिया। तो इसमें पहले देखिए ये एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड RCl बनाने की सबसे उत्तम विधि, सबसे उत्तम विधि मतलब सबसे अच्छी विधि है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसमें उत्प्रेरक, स्पेशल उत्प्रेरक है जिसका नाम पिरिडीन है, इसका सूत्र ये रहा C5H5N, जो कि ऐसे लिखा जाता है जो कि एरोमेटिक यौगिक है, ठीक है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पिरिडीन क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे उत्तम विधि है। तो अब देखते हैं हम अभी क्या करते हैं, ये है एल्कोहल, आप जानते हो थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, आप देखिए थायोनिल क्लोराइड ये होता है SOCl2, SOCl2 क्या है, थायोनिल क्लोराइड। इसकी जब अभिक्रिया करवाते हैं तो ये कुछ ये बनता है भैया, देखो RCl बनता है प्लस SO2 बनता है जो कि गैस होगी, ठीक है, और प्लस HCl बनता है, उत्तर क्या पिरिडीन उत्तर की उपस्थिति में ये होता है। अब ये अभिक्रिया आखिरकार हुई कैसे, RCl2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बना, आप ये देखिए कैसे बनता है। अब ये देखिए अभिक्रिया आखिरकार हुई कैसे, ROH प्लस S डबल बॉन्ड O, ये चलो इस डबल बॉन्ड उधर डालते हैं थोड़ा, ये देखिए S डबल बॉन्ड O, ये क्लोरीन, ये एक क्लोरीन। अब ये देखना भैया क्या होगा, इस ROH को भी ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ये R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। अभिक्रिया देखना कैसे होता है, देखिए क्या झमेला होता है, बहुत कुछ लफड़ा होगा, अभी देखना, ये H बोला मेरे को तो इसके साथ निकलना है, इसको तो मेरे साथ निकलना है, तो HCl क्या हो गया, बाहर हो गया, पिरिडीन है उत्प्रेरक में, ध्यान रखना पिरिडीन उत्प्रेरक है, पिरिडीन उत्प्रेरक है, तो पहले सबसे पहले HCl निकला, ये HCl निकल गया, चलो HCl बाहर, अब बचा कौन RO-, और बाद में ये क्या है, चलो माइनस प्लस का आपको लफड़ा ज्यादा भारी पड़ जाएगा आपके लिए, ये HCl निकल गया, अब ये क्या बचा, RO बचा, क्लोरीन बचा, SO बचा। अब ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन है, ये है, तो ये देखना यहाँ क्या होगा लफड़ा, ये ऑक्सीजन चला जाएगा इसके पास, ये ऑक्सीजन जैसे अभिक्रिया कुछ और तरीके से होती है, लेकिन यहाँ पे समझने का तरीका, अभिक्रिया की क्रियाविधि बहुत ही पेचीदा होती है, आपको मैं बता दूँ, कई बार तो कई स्टेपों में चलती है, पेड़ देखना बीच में कहाँ कहाँ काम आता है, लेकिन हमें तो क्या 12th स्टैंडर्ड पर आपको बस तरीका देखना कैसे होता है, ये देखना
ये R, हमें तो आर सी एल बनाना, ये आर सी एल के साथ जुड़ेगा और ये वाला ऑप्शन उठ के इसके साथ देगा, ये आर सी एल लिख देता हूँ पहले, आर सी एल, ये ऑप्शन इसके पास जाएगा, ऑप्शन इसके पास जाएगा, तो एस डबल ओ दो डबल ओ दो यानी एस ओ टू बनेगा, एक ऑप्शन था ही एस ओ टू प्लस ये सी एल, ठीक है, मतलब मालूम पड़ा अभी आर ओ एच प्लस एस ओ सी एल टू है, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड है तो एक तो एच सी एल के साथ, दूसरा एक ऑक्सीजन इसके साथ, तो ये क्लोरीन इसके साथ, आर सी एल प्लस एस ओ टू सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड नाम याद रखें, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि क्या है, गैस है, गैस है, ठीक है ना, ये गैस है और ये एच सी एल, ठीक है, अब देखना अब क्या होगा, अब देखिए ये सबसे उत्तम विधि क्या है, अभिक्रिया तो हमने कर लिया आर ओ प्लस एस ओ सी एल टू, प्रेडिंग की उपस्थिति में कर रहे आर सी एल प्लस एस ओ टू प्लस एच सी एल, अब ये बताइए सबसे उत्तम विधि क्यों है भाई, मैंने यहाँ लिखा ना उत्तम विधि, क्या कारण है उत्तम विधि का, इसका कारण देखिए ये तो है उत्पाद, हमें जो चाहिए था एल्किल क्लोराइड चाहिए था, वो एल्किल क्लोराइड यही है, ठीक है, एल्किल क्लोराइड यही है, तो भैया ये जो ये जो पास वाले कचरे को हटा दे, जिस अभिक्रिया में पास वाला कचरा आसानी से हट जाए वो ही क्या होती है उत्तम अभिक्रिया, तो ये देखिए एसओ टू तो क्या गैस जो कि क्या चढ़ जाए उड़ जाएगी, और बचा क्या एचसीएल जो कि क्या है प्रीडीन द्वारा क्या कर ली जाएगी अवशोषित, प्रीडीन द्वारा क्या कर ली जाती है अवशोषित, यानी देखिए एसओ टू गैस थी, गैस उड़ गई और एचसीएल प्रीडीन द्वारा अवशोषित हो गई, तो आपके बचा क्या लास्ट में सिर्फ बचा क्या आरसीएल, यानी आपको आरसीएल ही तो चाहिए था, आर सी एल ही तो चाहिए था, जो चाहिए था वो आपको मिल गया, बाकी ये उड़ गया, ये इसको ले गया, मतलब ये सबसे उत्तम विधि है एल्किल ब्रोमाइड बनाने की, ठीक है ना, अब इसमें आप बोलोगे हम एल्किल ब्रोमाइड आर बी आर और क्या आर आई ये भी बनाना चाहते हैं, एक बंदे ने बोला कि मैं नहीं आर सी एल से मजा नहीं आएगा मेरे को, तो आर बी आर और आर आई बना के बताओ, देखो भैया अगर आप ये तो देखो उत्तम विधि है, ठीक है, देखो भैया क्या बात है ना, मैं आपको बताता हूँ, कारण ये है कि देखिए इस अभिक्रिया में हम लेते हैं एसओ सी एल टू, अगर हमें आर बी आर बनाना है तो हमें चाहिए एसओ बी आर टू, ठीक है, अभिक्रिया में यही चाहिए, अगर आपको आर आई बनाना है तो आपको चाहिए एसओ आई टू, ये चाहिए आपको, यानी थायोनिल ब्रोमाइड, इसको नाम है थायोनिल ब्रोमाइड और ये है थायोनिल आयोडाइड, यानी इनको बनाने के लिए आपको इनकी जरूरत है, लेकिन इनकी जरूरत है तो इसका मतलब आपको ये मिलना भी चाहिए, ये तो होता अस्थाई है और ये तो मिला ही नहीं आपको, ये अज्ञात है और ये अस्थाई है, तो भैया अभिक्रिया कैसे होगी, कैसे बनाएंगे, नहीं बनेगा, यानी डार्सन अभिक्रिया में सिर्फ आरसीएल बनता है, एसओबीआर2 और एसओआई2 नहीं बनता, कि नहीं एसओबीआर2 क्या अस्थाई है और एसओआई2 तो मिला ही नहीं भैया, मिला ही नहीं तो काम क्या करोगे, ठीक है, इसका मतलब एल्कोहल और थायमिन क्लोराइड की अभिक्रिया है, डार्जन अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि ROH + SOCl2 RCl + SO2 + HCl, ये अभिक्रिया हुई कैसे, ये हुई प्रीडीन, आपको याद रखना है सबसे उत्तम विधि है, उत्तम विधि क्यों है, SO2 गैस बनती है जो उड़ जाती है, HCl जो प्रीडीन द्वारा क्या कर ली जाती है अवशोषित, ये अभिक्रिया आपके लिए इतनी थी, अब हम बढ़ेंगे अपनी अगली अभिक्रिया जो कि फास्फोरस हैलाइड से है, अब पढ़ते हैं अपनी तीसरी अभिक्रिया पर, यानी ये सब अब एल्कोहल की चलती है, ध्यान रखना एल्कोहल की वो पहले वाली दूसरी और तीसरी, तो अब हम आते हैं अपनी अगली अभिक्रिया पर, दो प्रकार की हमने देखी थी, दो प्रकार की कौन कौन सी थी, पहले तो हमने एल्कोहल की हाइड्रोजन नंबर से यानी हाइड्रोजन नंबर से अभिक्रिया की, उसके बाद डार्जन अभिक्रिया, डार्लिंग अभिक्रिया, सॉरी डार्जन अभिक्रिया, गलत मत सुनो ठीक है, आवाज यूट्यूब में गलत आ जाती है, अब ये देखिए सी तीसरी प्रकार है आपका एल्कोहल की फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया, अब ये फास्फोरस हैलाइड क्या होता है भैया, फास्फोरस हैलाइड मतलब जिसमें फास्फोरस और क्लोरीन के बीच यानी हैलोजन के बीच में क्या होता है बंद होता है, तो इसमें हम देखें दो प्रकार के अभिक्रियाएं देखेंगे, पहली होगी फास्फोरस हैलाइड पहला है PCl5 जिसे हम बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड पहले हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, फिर दूसरी होगी PCl3 की, PCl3 ठीक है, PCl यानी फास्फोरस फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इन दो के साथ हम क्या करेंगे अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे हेलो एल्केन क्लोराइड,
ठीक है, एक तो एल्कोहल की डिग्री किसके साथ, PCl5 के साथ करवाओ भैया, ROH एल्कोहल प्लस PCl5, ठीक है, PCl5 के साथ गर्म करो, गर्म करने पर देखते हैं क्या अभिक्रिया करो, गर्म मतलब यहाँ गर्म किया गया मतलब थोड़ा ताप दिया गया, ताप के इससे क्या होता है अभिक्रिया थोड़ी क्या होती है आसान होती है, इसलिए हम सामान्य अभिक्रिया के ऊपर ये डेल्टा लगा, डेल्टा मतलब ताप, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या बनेगा, देखिए इसमें बनता तो सामान्य तो यही है RClPO4 3 सब निकल गया यार, PO4 3 PO4 बचा है, अरे भैया इतनी खतरनाक अभिक्रिया की है, इतनी खतरनाक अभिक्रिया की है मान ली है सर जी, ये अभिक्रिया देखिए कैसे हुई, आप देखिए ये अभिक्रिया देखिए कैसे हुई, R OH था फॉस्फोरस से 5 क्लोरीन जुड़े जोड़ो, देखिए अभी एक क्लोरीन इधर, ठीक है, एक क्लोरीन इधर, इसकी सही संरचना तो ये होती है त्रिकोण द्विध्रुवीय PCl5, ठीक है ये इसकी संरचना है, ठीक है PCl ROH प्लस PCl5 त्रिकोण द्विध्रुवीय इसकी संरचना होती है। अब ये देखना अभिक्रिया कैसे होगी, पहले देखो इसको OH से निकलूं, पहले HCl भाई साहब बाहर, इन अम्लों को क्या है बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी तो पहले बाहर HCl पहले बाहर, अब बचा क्या RO और ये, अब ये देखना कौन कौन जाएगा, ये फॉस्फोरस, ये वाला पार्ट चला जाएगा, यानी ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा है POCl3 निकल जाएगा, यानी इनके और इनके बीच क्या बनेगा बंद, तो क्या बना POCl3, ठीक है। फिर बचा क्या ये R और ये Cl, ये दो ही तो बचे, ठीक है ये दो ही तो बचे, POCl3 तो निकल गए, ये POCl3 तो POCl3 निकल गए, बचा क्या RCl, हमें यही तो चाहिए था RCl, ठीक है। इसका नाम है फॉस्फोरस हाइपोक्लोराइड, ठीक है फॉस्फोरस हाइपोक्लोराइड, ठीक है, और ये क्या है एल्किल क्लोराइड, सामान्य अभिक्रिया ROH प्लस PCl गर्म किया RCl प्लस POCl प्लस HCl, POCl3 क्यों निकला आपको याद रखना, PCl5 हो तो POCl3 निकलेगा, एक ध्यान रखना कि जब भी PCl3 भी आएगा तो उसको भी आपको तरीका ध्यान रखना है, POCl5 का है तो फॉस्फोरस हाइपोक्लोराइड, ठीक है फॉस्फोरस हाइपोक्लोराइड, फॉस्फोरस हाइपोक्लोराइड प्लस HCl, ठीक है फॉस्फोरस हाइपोक्लोराइड RCl आपको मिल गया जो आपको चाहिए था, ये तो थी PCl5 से अभिक्रिया। PCl3 में देखिए, PCl3 में कैसे करेंगे, ROH प्लस PCl3, PCl3 को चलो खोल दे, ये PCl3 क्या होता है, क्या होना चाहिए भैया आप बताओ, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अब देखिए इसमें क्या है, PCl3 के साथ एक अकेला अभिक्रिया नहीं करेगा, इसमें क्या है तीन एल्कोहल लेने पड़ेंगे, मतलब तीन मोल एल्कोहल लेने पड़ेंगे, पहले मैं अभिक्रिया सीधी लिख दूं, PCl3 तीन एल्कोहल, तो ये देखिए कैसे क्या बनेगा आपके 3RCl प्लस H3PO3, ठीक है ये आखिरकार ये कैसे बना, 3ROH प्लस PCl3 3RCl3 प्लस H3PO3 हाइपोफॉस्फोरस अम्ल है ये, ठीक है ना हाइपोफॉस्फोरस अम्ल क्या है, हाइपो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है शायद, मैं आपको नाम बता दूं इसका, चलो नाम तो अभी रहने दो, H3PO3 याद रखें, ये आखिरकार अभिक्रिया हुई कैसे, ये देखिए ROH के तीन ROH देखिए अभिक्रिया कैसे इतनी प्यारे तरीके से होगी, देखना PCl3 CL3, ये देखिए ये अभिक्रिया है, अब ये देखना अभिक्रिया कैसे होगी, इसको गर्म करो, गर्म किया ये देखिए 1 2 3 ये तीन हाइड्रो तीन ऑक्सीजन तीन हाइड्रोजन ये फॉस्फोरस, ये देखिए ये अभिक्रिया ये बाहर निकल जाएगी, ये क्या है H3PO3 यानी बाहर क्या निकला H3PO3, बचा क्या एक आर इसके साथ एक इसके साथ एक इसके साथ, तो क्या मानेगा 3 RCl प्लस H3
PO3। तो ये तो क्या था, सामान्य सी अभिक्रिया बन गया आपके लिए। फॉस्फोरोसिलेट से कैसे अभिक्रिया करवानी है, एल्कोहल की फॉस्फोरोसिलेट PCl5 के साथ करेंगे तो फॉस्फोरोसाइक्लोराइड निकलेगा, बिसार सी तो CL, इसमें PCl5 और R उसका एक मोल लेना है, जबकि PCl3 से करवाए तो हमें तीन मोल लेना है, ये आपको याद रखना है, तीन लेना है, ठीक है ना। तीन लेंगे फिर बाद में S3PO3 निकलेगा और तीन RCl बनेंगे, ठीक है। तो मटते हैं इसमें, देखिए एक और अभिक्रिया, अगर आपको क्या है, अगर मान ली RCl बना लिया, अगर आपको RBr और RI बनाना है, RBr और RI बनाना है, तो देखिए हम कैसे बनाएंगे इसकी अभिक्रिया में, तो RBr RI बनाते हैं, ये इसी नहीं है फॉस्फोरोसिलेट में, हमें RBr और RI बनाना है। तो देखिए हमने RCl बनाना सीख लिया PCl3 से PCl5 से, तो हमें बनाना है RBr और RI। तो इनको प्राप्त करने के लिए देखिए थोड़ी अभिक्रिया में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। RBr और RI प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे PCl3 PCl5 था, उसी प्रकार हमें अगर RBr चाहिए इस अभिक्रिया एल्कोहल फॉस्फोरोसिलेट से, तो हमें PBr और PI3 चाहिए, यानी हम पिछली वाली अभिक्रिया की तरह क्या करें, ROH प्लस PBr3 करें, उसके बाद हमें क्या मिल जाए अपना R जो भी है RBr प्लस S3PO3, वही इसमें तीन मोल लेने हैं हमें S3PO3। लेकिन ये सीधा बनता नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो PBr और PI3 को क्या करते हैं, हम अभिक्रिया दोहरा नहीं बना लेते हैं, ऐसा करते हैं हम अभिक्रिया दोहरा नहीं बना लेते हैं, और इसके लिए लाल फॉस्फोरस का हम क्या करते हैं यूज करते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम, अभिक्रिया से ROH है, ठीक है, लाल फॉस्फोरस की अभिक्रिया P है मतलब फॉस्फोरस की अभिक्रिया Br2 के साथ करवा देंगे, ठीक है, Br2 के साथ करवाएंगे तो फिर बाद में हमें मिल जाएगा RBr प्लस H3PO3, इसमें वही तीन मोल, वही तीन मोल, यानी कि P प्लस Br2, ठीक है। अब इसमें मोल वाला कुछ वो सिस्टम होगा, लाल फॉस्फोरस है, इससे हमें PBr3 मिल जाएगा। अब वो कैसे मिलेगा, हमें अभी ध्यान नहीं रखना, हमें बस इतना ध्यान रखना लाल फॉस्फोरस प्लस Br2 करके PBr3 बनाएंगे, तो PBr3 से अभी करके RBr प्लस S3PO3 बन जाएगा। अब बचा गया PI3, मतलब RI बनाना है, RI बनाने के लिए ये देखिए RI बनाना है, तो यही ROH वही लाल फॉस्फोरस के साथ क्या I2, यानी हमें या Br2 या I2, तो बचा क्या BRI प्लस H3PO3 3ROH, यानी यह भी लाल फॉस्फोरस प्लस I2 अभी क्या करके PI3 बनाएंगे। और जैसे देखिए हमने जो PCl3 के अंदर अभी क्या की थी, जिसमें P और तीन अस्तर तीन ऑक्सीजन फॉस्फोरस बाहर निकलेगा, वैसे इसमें S3PO3 निकलेगा, इसमें भी S3PO3 वैसे ही निकलेगा, वो PCl3 वाले कंसेप्ट है, बस इसमें हमने क्या है कि क्लोरीन की जगह ब्रोमीन और आयोडीन लिखा है, और वो भी हमें PBr3 बनाने का बस तरीका था, लाल फॉस्फोरस प्लस ब्रोमाइड लाल फॉस्फोरस प्लस आयोडाइन, ठीक है, इस प्रकार आयोडीन लाल फॉस्फोरस प्लस आयोडीन लाल फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन, इस प्रकार फॉस्फोरस ब्रोमाइड फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइन, ये बना के फिर बाद में अभिक्रिया कर लेते हैं। इस हिसाब से हमें RBr मिल गया, RI मिल गया, RCl मिल गया, हमने एल्कोहल और क्या क्या, हाँ पहले अभिक्रिया कौन सी थी वापस देखिए, ROH ROH के साथ HCl, वो भी किसमें शुष्क ZnCl2 के साथ करेंगे तो हमें RCl बनेगा। अगर हमें RBr और RCl बनाना है, उस पहली वाली अभिक्रिया याद थी जब एल्कोहल की अभिक्रिया हेलोजन अम्लों से करते हैं, एल्कोहल की अभिक्रिया हेलोजन अम्लों से करते हैं, तो पहले अगर हेलोजन अगर क्लोराइड बनाना है तो शुष्क ZnCl2, अगर ब्रोमीन और आयोडीन बनाना है तो आपको क्या यूज करना है याद कीजिए H2SO4। उसके बाद हम आए थे नाइट्रोजन अभिक्रिया, वेरी सिंपल, नाइट्रोजन अभिक्रिया में क्या थायनिल क्लोराइड यूज करते हैं, एल्कोहल प्लस थायनिल क्लोराइड SO2 और HCl बाहर निकल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा एल्कोहल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि SOBr2 तो ऐसा ही है और SOBr2 तो मिला ही नहीं। उसके बाद तीसरी वाली एल्कोहल की फॉस्फोरोसिलेट से PCl3 और PCl5 से करो, PCl5 से बनाया तो देखिए RCl प्लस POCl3 निकला था और PCl3 में S3PO3 निकला, RCl बन गया। अब हमें RBr RI बनाना था, RBr RI बनाने के लिए हम क्या करते हैं ये वाला मेथड अपनाते हैं, हमें चाहिए PBr3 और PI3 चाहिए था, लेकिन उसके लिए क्या करते हैं हम अभिक्रिया के दौरान ही बनाते हैं, इसलिए हम लाल फॉस्फोरस की अभिक्रिया Br2 के साथ करवाते हैं, जो कि अभिक्रिया PBr3 बनेगा, जो इसके साथ अभिक्रिया करके RBr S3PO3, ऐसे ये अभिक्रिया PI3 बनेगा जो इसके साथ अभिक्रिया करके RBr प्लस S3PO3 बनाता है। इस प्रकार एल्कोहल से आपको एल्किल हेलो एल्केन बनाना आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाते हैं, तीन अभिक्रिया थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, सब के सब
आप उनको रिवीजन करें, लगातार मेहनत करें, और हमारा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।